Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we will talk about the role of detachment in meditation. You see, when a person meditates and simultaneously he is very much attached to the world, in the sense he is attached to his or her family, to his country, to the society, to so many other things, attached to pleasures, etc., etc. Now, given this situation, how can meditation help a person if he or she is attached? And what happens when there is no attachment in the person's life and he is meditating? I think there are two different things. These are two different situations. Okay, one is where the person is meditating and he is very much attached to the world. And the second situation is a person is meditating and he is not very much attached, or in other words, we can say he is detached, not attached to the world. Samajh, do cheeze hai. Ji. Ek to log dhyan karte hai, theek hai, aur saath hi saath unka attachment hota hai. ठीक है उनको अटैचमेंट होता है वो बिना अच्छा अच्छा खाए रह नहीं सकते बिना सोसाइटी के बिना फैमिली के रह नहीं सकते अकेला उनको खाता है अकेले नहीं रह सकते वो अकेले रहेंगे तो वो कभी अखबार पढ़ेंगे कभी टीवी देखेंगे कभी मीन्स वो अटैच्ड है हर टाइम ठीक है और सुबह शाम वो ध्यान भी करता है ठीक एक व्यक्ति है ध्यान कभी करता है कभी नहीं करता ठीक है मगर उसको अकेला रहना अच्छा होता है ज़्यादा उसको चीज़ें जो परिस्थितियाँ हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है ना उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावित नहीं करती उसको ठीक है मीन्स वो ज़्यादा अटैच्ड नहीं है संसार से डिटैच्ड है बिल्कुल ठीक है तो जब ऐसा व्यक्ति ध्यान करता है तो उस ध्यान का क्या गति है क्या परिणाम है ठीक है और उन व्यक्ति के बारे में बताइए जो ध्यान भी करते हैं और साथ ही साथ हर चीज़ से उनका अटैचमेंट लगाओ वैसे के वैसे ही है बिल्कुल तो इसमें योगिक विज्ञान हमारा आध्यात्मिक जो है वो ये कह रहा है कि इसमें जब हम ध्यान करते हैं किसी भी स्थिति में जाकर के अपने आंतरिक अंदर में सफ़र करते हैं ध्यान की जो गति है वो अंदर की सफ़र है कि हम अपने शरीर में अंदर में क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो चीज़ ब्रह्मांड में मौजूद हैं और वो सब शरीर के अंदर भी मौजूद हैं उनके सूक्ष्म आकार हैं उन आकारों में जो है वो अपने ध्यानस्थ होता है वो व्यक्ति और उसमें जो कुछ ऐसी चेतन प्रक्रियाएं हैं शरीर के अंदर जहाँ पर वो ध्यान अपना लगा करके रुक करके उनको अच्छी तरीके से अध्ययन भी कर सकता देख भी सकता है ऐसे भी लोग ध्यान करते हैं आपका सवाल है कि निरासक्त और आसक्त की स्थिति में ध्यान करने में ये कैसी स्थिति आती है अगर कोई व्यक्ति संसार के वस्तु पदार्थ में अगर हम किसी वस्तु पदार्थ को हम ढकेलें कि ये मुझे नहीं चाहिए तो नहीं ढकेल पाएंगे क्योंकि इसलिए नहीं ढकेल पाएंगे इसलिए उसे छोड़ नहीं पाएंगे इसलिए उसका त्याग नहीं कर पाएंगे इसलिए उससे निरासक्त नहीं रह पाएंगे क्योंकि उसका उपयोग और उसका सामने होना और पास होना ये चीज़ जो है ये संबंध और संस्कारों के आधार पर हम उसे हटा नहीं सकते कि हम कितने भी प्रयासरत हो जाएं कितने भी ध्यानस्थ हो जाएं कि ये चीज़ें हम इनके प्रति निरासक्त हैं कितना भी आप निरासक्त शब्द बोलते रहो वो वस्तुओं के प्रति उस जगत के प्रति उस आप सुख सुविधाओं के प्रति कभी भी निरासक्त नहीं रह सकते अगर वस्तु चाहें और प्राकृतिक नेचर चाहें और वो आपकी सुप्रीमो जो जिसे आप दृष्टा कहते हो अगर वो आपकी शक्ति ऐसी चेतन प्रक्रिया चाहें कि ये वस्तु पदार्थ से इसे निरासक्त कैसे इस प्राणी को निरासक्त कैसे रखना है कैसे किया जा सकता है तो वस्तु पदार्थ सामने भी रहे
मगर वो वस्तु पदार्थ का जो गुण और अवगुण है तो उसका आपके प्रति अवगुण है और दूसरे के प्रति वो गुणवान है। तो वो जो वस्तु पदार्थ है तो उसे ये दिखता है, वो इसलिए वो उसे अब उसके मन और बुद्धि और चित्त में ये चीज आ जाती है कि यही चीज ये इस व्यक्ति को ये फायदे करती है, यही चीज ये हमें नुकसान दे रही है। तो उसमें उसकी निरासक्त भाव आ जाता है क्योंकि वो वस्तु की तरफ से ये चीज पेश की गई है, हमने नहीं पेश करी। अगर हम करेंगे तो हम कितना भी शोर मचाते रहें कि भाई एक बहेलिया आएगा और दाना डालेगा और दाना नहीं खाना, जाल फेंकेगा उसमें फंसना नहीं, ये शोर मचा रहे, जाल में फंसे रहें और दाना खाते रहें, तो वो वाली स्थिति है, वो ऐसा संभव नहीं है। प्राकृतिक में जब सामने से वस्तु पदार्थ या जो है उसके उपयोग और भोग जो है वो चीज़ जब आपको निरासक्त बनाना में आ जाएंगे, अपनी प्रक्रिया लाएंगे, तब व्यक्ति जो है निरासक्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर ध्यान करेगा, निरासक्त वाला व्यक्ति ऐसा ध्यान करेगा, तो वो जो मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में कि जब कोई चीज़, कोई भी वस्तु पदार्थ जो संसार के आपके उपयोगी हैं और वो आपके इस वक्त उपयोग में किसी भी कोण से नहीं आ रहे हैं और वो आपके विरोधाभास में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में, विपरीत स्थिति जब आपको लगती है, तब आपको ऐसा लगता है कि अब ये संसार कहीं अपने काम का नहीं रहा। और जब काम का नहीं रहा तो जो काम आप आंतरिक करोगे, यौगिक विज्ञान की तरफ से करोगे, जो चीज़ करोगे, तो इसमें बहुत जल्दी आप रफ्तार पकड़ करके और अपने मूल की तरफ बहुत तेज़ी से वो व्यक्ति पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उदासीन अवस्था में है और जो वस्तुएं पदार्थ हैं वो उसकी प्रतिकूलता में हैं, अनुकूल नहीं जा रही हैं, इसलिए वो प्रतिकूलता के कारण, यह मैंने पहले भी एक बार बोला था, तो जो ये स्थिति आई है वस्तु पदार्थ की, आज अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति बताने के लिए, तो वस्तु पदार्थ को हम नहीं छोड़ सकते। हमारे अंदर हम कई बार छोड़ लेंगे, जैसे उपयोग करेंगे वैसे उसमें राग आ जाएगा, हमें उसमें लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, रखना चाहेंगे, भले ही हम उसका रखना चाहें, भले ही हमारे प्रयोग में नहीं आए, फिर भी रखना चाहेंगे। तो ये चीज़ एक जो जीव की एक केंद्रित है, जो क्रिएट करने की अवस्था थी उसकी, कि उसने सब चीज़ें इस ब्रह्मांड से इकट्ठी की हैं, तो वो इकट्ठी होने के कारण ये हमारे तो मूल में है, इसलिए मूल में है, इसलिए ये चीज़ हमें लाजमी रखनी पड़ेगी कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, मगर ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। वस्तु पदार्थ अगर प्राकृतिक नेचर और जिसे हम भगवान कहते हैं वो अगर हमारे पक्ष में आ जाए और वही वस्तु पदार्थ जो मैंने आपको बताया वो सबके लिए बड़ा उपयोगी हो, मगर हम जब उनका प्रयोग करें तो वो हमें दुख दें तो, और हमारे सामने रहें और फिर भी आपकी रहें, तो बड़ा अंदर से निराशक्ति आती है, निराशक्ति आती है। ऐसा व्यक्ति अगर निराशक्ति वाला जब ध्यान करेगा तो वो अति तीव्र अवस्था में, अब तीव्र होने के कारण, गतिमान होते के कारण वो अपने मूल में जल्दी जाएगा। अगर आसक्ति वाला व्यक्ति जो संसार की वस्तुओं में आसक्त है और वो ध्यान करता है, तो वो ध्यान कहीं भी करे, किसी भी एक शब्द को पकड़े, चाहे शब्द में स्वर बज रहे हैं, स्वर हो रहे हैं, लय है, धुने हैं, शब्द में यहाँ कहीं भी रहेगा, कहीं भी टिकेगा, तो उसे एक टिकाव तो मिलेगा, मगर ये टिकाव उसके किसी एक उसको मूल में, मूल में नहीं ले जाएगा, मूल में नहीं उसको ले जाएगा, ये संसार में प्रदान कर देगा स्थिति टिकाव की, दे देगा, डिसीजन लेने की भी स्थिति में नहीं ले जाएगा वो, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये गति में नहीं लाएगा, ये गति में ऐसा ध्यान नहीं लाएगा, क्योंकि आपकी आसक्ति वस्तु पदार्थ में है, वस्तु पदार्थ की आसक्ति आप में है, दोनों की आसक्ति बिल्कुल एकदम चिपकी हुई है। कितना भी आप ध्यान करो, कितना भी कहीं भी रहो, डिसीजन वाली जो सेंटर की अवस्था है वहाँ तक भी पहुँचना संभव नहीं है। कहीं जाके एक जगह में रहेगा, ध्यान करेगा, रोज डेली ध्यान करेगा, डेली अपना खाएगा पिएगा, डेली अपने उसी रूटीन में रहेगा, तो ये सब चीज, ये जो चीज़ें आ रही हैं निरासक्त और आसक्त का, जो आसक्ति की आपने ये बात उठाई है,
उसमें ये वस्तु पदार्थ की ओर से आ सकती और निराशक्ति पेश की गई है, ना कि हमारे ओर से पेश की गई है। हम कितना भी कर लें ये संभव नहीं है। अगर ये हो जाता तो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर लेता, आसानी से निराशक्त हो जाता और आसानी से मूल में पहुंच जाता, आसानी से सब चीज़ देख लेता। और ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये कंप्लीट ब्रह्मांड, इसका एक रहस्य है। और इसका रहस्य है कि मूल से उस प्राणी को दूर रखा जाए। और ये इस ब्रह्मांड के पूरे कंप्लीट ब्रह्मांड में एक रहस्य है। इस रहस्य का अगर कोई प्राणी उजागर करता है और बताता है कि ये रहस्य इस तरीके का है, तो ये कंप्लीट नेचर उसके विरोध में काम करती है कि ये व्यक्ति, ये प्राणी मेरी रहस्य को उजागर करता है और बताता है। जैसे हमने अभी बता भी रहे हैं, तो ये हमें किसी ब्रह्मांड की, हम तो ब्रह्मांड में रह रहे, जिस घर में रह रहे उसी घर में खाना पीना खा रहे, उसी और उसी की थाली में सुराख कर रहे कि भाई ये तो गलत तरीका है, आप उसी के रहे पर्दे खोल रहे हो। तो ऐसे पर्दे खोलने वाले व्यक्ति को ये ब्रह्मांड जीवन काल भर उसको दुखी रखेगा और अंत काल में उसके अंतिम मरणों उपरांत वो उसकी ऐसी प्राण की केंद्रित अवस्था को वो यहाँ नहीं रखता, इसको वो बाहर फेंक देता है जहाँ पर ये रहस्य और ये खोल नहीं सके और ये सफ़र करता रहे। मगर ऐसा व्यक्ति सफ़र करने के कारण यहाँ वो छोटी चीज़ों का जो छोटे छोटे चीज़ों का अधिकारी था, अब वो अगर उसे फेंक भी दिया है तो बड़ा अधिकारी बनेगा। तो ये ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बड़े अधिकारी बन सकते हैं और ये और वहाँ पर शरीर नहीं धारण कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप विरोध भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति ब्रह्मांड में बहुत सारी है। तो इस विषय में जो है ये योगिक साइंस और हमारी आध्यात्मिक लाइन इसे मतलब ध्यान की गति को इस तरीके से बताती है। ओके, देयर आर थ्री थिंग्स। ओके, फर्स्टली द डिटैचमेंट कैन नॉट बी अटेंड बाय द पर्सन, राइट, फर्स्ट थिंग। एंड द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस कैन यू कैन से the negative circumstances can create a situation where a person can become detached or there is no attachment to the person if there is negative circumstances. So it depends totally upon the negative circumstances, not on the part of person. If I try to be detached from the world, I cannot be detached from the world, right, on my own. But if I find myself in negative circumstances, then that negative circumstance can take me to a situation where I will completely be detached. One thing. Second, if a detached person meditates, then he will reach to the origin of things or to the mool. Right? In the mool, there are three principles, as you all know. In the mool, there is consciousness, there is Prakriti, and there are multiple Jivatmas. These are the three Mool Siddhant, the original principles, the three principles, right? So that person can reach to his Mool, and that Mool is the Mool of everything, right? Now, the third situation is a person who is meditating, but simultaneously he is attached like any other person to the world. He can go on meditating for years, for aeons, but he will never reach to his original nature, to the mool. He can enjoy things, he can be a little more peaceful, he can be a little more decisive, right? He can enjoy things better than other person, but he cannot touch his original nature if he is not detached. In Gita also, the Lord Krishna has said, for wisdom, for jnana, two things are required. One is vairagya, second thing is abhyas. Abhyas
meditation, dhyan, prayer, it comes in the category of abhyas. And vairagya is the detachment from the world, and it is possible only if there comes negative circumstance in one's life and he or she adjusts himself or herself to that negative circumstance, and that circumstance can take that person to a situation or to the situation where there is the base, there is, you know, original nature of things. And this original nature of things is the originality of everything, the whole universe. Thank you.